बिग बॉस के घर से कोई भी कंटेस्टेंट बाहर आता है, उसे उम्मीद नहीं होती कि वो बाहर आएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बिग बॉस के एक ऐसे कंटेस्टेंट मौजूद है जिन्हें आशा थी। रूपल, यस, मतलब आपने प्रीवियस आंसर से ये गेस कर लिया है, बट दैट्स ट्रू। मैं बहुत डेस्परेटली घर से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए जब वो सो कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग की बात आई तो मैंने बहुत क्लियरली इन माई हेड, मुझे पता था कि दिगंगना को नहीं बाहर जाना है, मुझे बहुत बुरी तरह से बाहर जाना है। सो मैंने उसको भी ये बात बोली थी कि डूड मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, नॉमिनेट करो। और उस दिन से लेके जब तक एविक्शन नहीं हुआ, मेरे प्रेयर्स भगवान से यही थे कि मुझे प्लीज़ यहाँ से निकाल दो, मैं इस गेम शो के लिए नहीं बनी हूँ। प्रेयर्स भी थे और बहुत सारी शिकायतें भी हैं आपको बिग बॉस से। मतलब लोगों को यू नो बाहर एक ही इमेज है कि ये सब नाटक है, इनको ना खाना पीना मिल जाता है, इन्हें पानी मिल जाता है, सब ड्रामा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो आप देख रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा वर्स वहाँ पे कंडीशंस हैं। पीने का पानी नहीं मिला हमें पहले के दो दिन, हमने नल का पानी पिया है, चौथे दिन उस नल में से ब्राउन पानी मट्टी के साथ आना शुरू हो गया, हमारे जूते छीन लिए गए मेरे, और खाना दो टाइम मिलता है, इतना इतना सा, वो भी इतना टेस्टलेस, क्योंकि हम लोग जिन्होंने कभी ज़्यादा कुकिंग की नहीं है, 15 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, खाना ख़राब भी बनता है, बट बेसिक वो भी उस समय लगता है खाना। मैं ठंडे पानी में नहाई हूँ, इतने कीड़े हैं वहाँ, मैं मेरा डर कीड़ों के लिए सब खत्म हो चुका है, मैं ऐसे हटा देती थी ड्रेस से, कीड़ा हटा दो। सो कभी सर्कमस्टेंस में रही नहीं हूँ मैं, बट आई एम श्योर कोई नहीं रहा होगा, बट अब जब मैं रह के बाहर निकली हूँ, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को मैंने अप्रिशिएट करना सीख लिया है, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ रही है अबाउट माई होल एक्सपीरियंस। वैसे साथ ही साथ लोगों को ये भी देखने को मिला होगा कि जो इतनी क्यूट सी बबली सी रूपल है, वो इतना अच्छा कुकिंग भी करती होंगी, इतने अच्छे घर से घर का काम भी करती हूँ, उन्होंने शायद ही एक्सपेक्ट किया होगा। हाँ, आई नो, मेरी मॉम बहुत प्राउड है, स्पेशली जब उन्हें पता चला कि मैं टॉयलेट क्लीन कर रही थी और बर्तन धो रही थी, सबसे मुझे बर्तनों से बहुत चिढ़ रही है हमेशा से कि अपनी प्लेट्स एटलीस्ट आप खुद धो, बट वहाँ लोग कैसे, मतलब आए स्पेशली लड़के रख के चले गए, कर लेंगी लड़कियाँ। सो मेरे हाथ फट चुके थे पूरी तरह से इन द फर्स्ट वीक, बिकॉज मैं ख्याल नहीं रख रही थी, और सोप लगा लगा के धो रही थी, एंड बाथरूम धो रही थी, एंड मैं यू नो ऐसे कमोड के ऊपर चीज़ें डाल के क्लीन कर रही थी। मैं और दिगंगना अपना सारा टाइम पहले हफ्ते में यही सब करने में काट रहे थे। मॉम बहुत खुश थी बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली कॉल करके ये पूछ रही थी कि क्या हो रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है यू नो, तो उनको फीडबैक मिल रहा था। तो मॉम ने कहा अब तो तुम घर आओ, अब तो तुम ही से दाल सब्ज़ी मैं बनवाऊँगी, ऐसे पक्का से बनाऊँगी, 15 लोगों के लिए बना सकती हूँ, तो आप 4 लोगों के लिए तो बना ही सकती हूँ। वैसे रूपल, इतना एडजस्टमेंट किया आपने, हर सिचुएशन को आपने बहुत ही अच्छे से फेस किया, हैंडल किया, तो लेकिन आपको कहाँ लगता है कि कहाँ कमी रह गई आपकी, जो आप एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि कोई कमी हुई है, इनफैक्ट आई थिंक जो भी पहले पहले निकल जाते हैं घर से वो बहुत ही सिंपल लोग होते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं, बिकॉज मेकर्स चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ एंटरटेनमेंट मिले, उन्हें ये इस टाइप का एंटरटेनमेंट इन लोगों से नहीं मिल रहा है, तो हम बाहर जा रहे हैं एक करके, तो इट्स एन ऑनर, जो पहले बाहर निकलता है इट्स एन ऑनर इन अ वे, बिकॉज आप उस टाइप का फुटेज दे नहीं पाए, मतलब क्या, मतलब आप वैसे नहीं हैं, विच इज़ गुड। रूपल, कहीं ना कहीं जिस टाइप के फुटेज की आप बात कर रही हैं, उस टाइप का फुटेज लाने के लिए कहीं ना कहीं अंकित को भी घर में लेकर गए थे लोग, लेकिन वो चीज़ नहीं देखने को मिली जो दर्शक और जो बाकी के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस पर क्या है? हाँ, आई नो, बट आई थिंक ये बहुत ही लेट हुआ, जो भी रिएक्शन अगर वो चाहते थे वो शायद हमसे 2 साल पहले आ जाता, अगर हम 2 साल पहले बिग बॉस में जाते तो 2 साल हो गए हैं यार उस चीज़ को, आई मीन कोई पागल ही होगा जो बुरी बातें याद रख के बैठेगा। इनफैक्ट मुझे 2 साल पहले की सिर्फ जो अच्छी बातें हैं वो याद हैं, वो मैं मेंशन करती हुई दिखी भी हूँ, बट इट्स मोस्टली द नाइस पार्ट। थोड़ा ऑफ कोर्स एक टिफ रहता है जो पहले 2 दिन मेरे और अंकित के बीच में था थोड़ा सा, वो भी 3rd से 4th दिन में ख़त्म हो गया था, तो जिस चीज़ के लिए हमें अंदर डाला गया था वो नहीं मिला, तो हम बाहर आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन्हें नॉमिनेट भी किया, उसके बाद में फिर लोगों ने आपको रोते हुए भी देखा उनके लिए, ये क्या था? नॉमिनेशन जो हुआ बिल्कुल अगले दिन हुआ, एंट्री के फर्स्ट 2 डेज में, और तब तक लाइक आई टोल्ड यू हमारा टिफ चल रहा था, एक कोल्ड वॉर जैसी होती, बात नहीं कर रहे थे हम, तो मुझे नेगेटिविटी फील हो रही थी, मैं नॉमिनेट कर दिया। 3rd-4th दिन से हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए, नॉर्मल दोस्त भी नहीं, नॉर्मल, और वो फिर एलिमिनेट हो गए। तो समवेयर मुझे गिल्टी फील हुआ कि ये मेरे नॉमिनेशन की वजह से हो सकता है कहीं ये निकले हैं। उस चक्कर में मैं 15-20 मिनट रोई होंगी, बट 15-20 मिनट में वो 1 घंटे के एपिसोड में ऐसा लगा, अरे बाप रे कितना रो रही है, सारे घर वाले रो रहे थे, बिकॉज फर्स्ट वीक का एलिमिनेशन बिल्कुल सेंस वैसे भी नहीं बनता, सब रो रहे थे, बट फोकस मुझ पे ज़्यादा था। वैसे किस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली है?
मैं कुछ नहीं मिस करने वाली उस घर के बारे में, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सलमान खान से इंटरेक्शन। आई थिंक वो बेस्ट पार्ट है बिग बॉस का। आपको अच्छा क्या लगता है कि इस शो में लंबी रेस का घोड़ा कौन? कॉन्ट्रोवर्सी वाइज देखो तो सुयाशन किशोर बहुत फुटेज देने वाले हैं फॉर श्योर, बिकॉज वो ऐसे ही हैं, वो लाउड हैं, हर चीज़ पे उनका ओपिनियन है। रुशल का भी, वो काफ़ी ओपिनियटेड लोग हैं, वो देंगे। ऑल्सो मंदना, बिकॉज वो इतनी सेल्फिश हैं और सबसे घर में पंगा ले चुकी हैं, वो भी काफ़ी दिखेंगी शो में। बट जेन्यूनली अगर मैं चाहती हूँ कि कोई जीते तो वो होगा कीट, बिकॉज वो सेंसिबल भी हैं, जेन्यून भी हैं, एंड वो सीरियसली जीतने लायक है। अच्छा रुपल, एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी जाते जाते कि अगर आपको फिर से चांस दिया गया वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू, तो फिर आप जाना चाहेंगे? मैं जाना तो बिल्कुल नहीं चाहती, बट अगर बोला तो मुझे जाना पड़ेगा, बिकॉज जो भी लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में। बट मैं सीरियसली मैं नहीं जाना चाहती, और उस घर में जाके बाहर कैसे आते हैं ये मैं जानती हूँ, तो अगर मुझे भेजा भी गया तो भी मैं एक हफ्ते में बाहर आ जाऊँगी। ओके, जाते जाते लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को सीरियसली दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैं एक्चुअली कल रात से काफ़ी ओवरवेलम्ड हूँ, जो भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। थैंक यू मुझे वैसे ही परसीव करने के लिए जैसे मैं हूँ, एंड जेन्यूनली दिल से थैंक यू। जो भी आपने देखा मेरा साइड, वो एक्चुअली मैं ही हूँ। मैं जब वल्नरेबल हूँ वो दिख गया, जब मैं अपसेट हूँ वो दिख गया, जब मैं गुस्सा हूँ वो भी दिख गया, जब मैं इरिटेटेड हूँ वो भी दिख गया, तो सब कुछ आई थिंक आप लोगों ने अब देख लिया है। एंड सो उसको इस तरह से काइंड ऑफ पसंद करने के लिए, बिकॉज आई सीइंग ऑन सोशल मीडिया कई लोगों ने तो ये भी लिखा है, रूपल तुम बनी ही नहीं हो बिग बॉस के लिए, व्हाट आर यू डूइंग देयर, बाहर आ जाओ तुम। सो आई एम थैंकफुल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। थैंक यू सो मच। हमसे बात करेंगे कैमरामैन फैजान के साथ, पूजा तिवारी, टेलीविजन सारा।